इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, यूनियन बजट कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये तुमको पहले फोटो भी दिखा दूं मैं तो तुमको समझ में आएगा। ये अपने फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना, निर्मला सेतुरमन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हर साल इनको प्रेजेंट करना होता है और प्रेजेंट 1 फरवरी को करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले हर चीज में लोगों और इकोनॉमी का असर होगा, ठीक है। कैसे असर होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा कि जब खर्चा ज्यादा हो जाता है देश के पास, देश श्रीलंका की तरह हो जाएगा। एक इकोनॉमी जो अच्छा चल रहा था और जब गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा चाइना से कर्जा ले लिया, तब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं मिला बचा। तो अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट पूरी तरीके से डूब चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या कोई और देश ने बचाया तो बचेगा, वरना वो गया, ठीक है। और उसको कई साल लगेंगे, 20-30 साल लगेंगे सेट होने वापिस। ये मैक्रो की जब बात करते हो तो 1-2 साल की बात नहीं है। कुछ कुछ देश तो 50 साल, अफगानिस्तान कितने साल पीछे चला गया, अटैक हुआ था ना अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान पे स्ट्राइक किया था। आज अफगानिस्तान की क्या हालत है? डेवलपमेंट लगभग नहीं है। कब्जा गवर्नमेंट पहले था, गवर्नमेंट को हटा के आई थिंक कौन आईसीस आया, तालिबान आया, उन्होंने गवर्नमेंट सेटअप किया। अब उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पूरा कमाई कहाँ से होगा? तुम एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, तो स्ट्रगल हो जाता है फिर। तो टैक्सेस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कोई भी बजट का। टैक्सेस बिजनेस और इंडिविजुअल्स पे लगाया जाता है। और डिस्पोजेबल इनकम, यदि टैक्स ज्यादा लगाया जाए तो आमदनी कम बचता है। तुम्हारा टैक्स ज्यादा तो आमदनी कम। तो क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना रहता है। ये तुम्हारे सामने गवर्नमेंट टैक्स से तो देखो करीबन कितना, 22 लाख करोड़ का आमदनी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो ब्याज है, अपन ने कितना ब्याज भरा है? 9 लाख करोड़ का ब्याज भरा है अपन। मतलब सोचो कितना कर्जा अपने देश पे होगा कि यूनिट 10 हंड्रेड, 9,40,000 करोड़ का अपन ने ब्याज इंटरेस्ट सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। 9 लाख करोड़ इंपोर्ट बिल हो गया पेट्रोल का, 9 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ तो इधर ही हो गया, बचा क्या इसलिए? और डिफेंस पे 5 लाख करोड़ कितना हुआ? 23 लाख करोड़ तो इधर हो गया ना। तो इसलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट होता है कई बार, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट भी 16 लाख करोड़ पे चला गया है, बहुत ज्यादा है 16 लाख करोड़। तो सेट हो जाएगा, गवर्नमेंट के लोग मैनेज कर लेंगे। सो बजट एक इम्पोर्टेंट जरिया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, और बजट एक जरिया बन जाता है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि ये आने वाला साल का गवर्नमेंट प्लान बनाता है कि ये आमदनी होगा, ये खर्चा होगा, और फिर काम शुरू होता है उस पे। तो लॉजिक यह है कि प्लान किया तो सरप्राइजेस कम रहेंगे। हाँ, अर्थक्वेक या फ्लड्स आ गया तो कुछ 1,000 करोड़ और चले जाते हैं, लेकिन ठीक से प्लान किया तो देश ठीक से मैनेज किया जा सकता है। और पिछले 100 साल में पब्लिक फाइनेंस में काफी बदलाव आया है। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस ऑफ बजट नहीं रहेगा बजट तो देश से खर्चा ज्यादा हो जाएगा, मैनेज नहीं होगा। हर चीज प्लान के हिसाब से, बजट के हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है।